पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने आइकिया कंपनी का किया दौरा, बोले 800 लोगों को देगी नौकरी। बीजेपी स्थानीय लोगों के लिए मांग रही रोजगार, कर रही धरना प्रदर्शन। फोर्स नहीं किया गया हमारे जो लोग हैं उनको, लोग हमारा इतना ही कहना था कि जो भी आपके रूल रेगुलेशन में बैठते हैं उनको लो, लेकिन कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ विरोधी पक्ष वाले लोग हैं वो कुछ चेहरे लोग को देख रहे तो जॉब पे लगा रहे हैं, प्रेशर ला रहे हैं कि लोकल लोग यहाँ पर अगर प्लेसमेंट के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पर ये जो लोग हमें आके बता रहे हैं कि अगर उनके एड्रेस में खुद को पता चला तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी जा रही है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन और मांग के बीच आज तुर्भे में विदेशी होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया का शुभारंभ हो गया। भाजपा यहां स्थानीय लोगों को नौकरी देने की मांग कर रही है। इस बीच उद्घाटन की पूर्व संध्या पर राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने एमआईडीसी के सीईओ के साथ आइकिया का दौरा किया और कंपनी प्रबंधन से रोजगार, कारोबार और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। अपने दौरे को सुखद बताते हुए आदित्य ठाकरे ने ट्वीट में लिखा कि यहां 500 स्थानीय लोगों को डायरेक्ट और 300 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिसकी खुशी है। मंत्री आदित्य ठाकरे के इस औपचारिक विजिट और आइकिया में स्थानीय लोगों को नौकरी दिए जाने की वकालत करने से नोइंबई की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि मंत्री आइकिया की तारीफ कर रहे हैं जबकि कंपनी स्थानीय बेरोजगारों के साथ पक्षपात कर रही है कि लोकल लोग यहाँ पर अगर रिक्रूटमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए अगर अप्लाई करते तो हमें यहाँ पर ये जो लोग हमें आके बता रहे कि अगर उनके एड्रेस में तुर्भे पता चला तो ऐसे लोगों को यहाँ पर नौकरी नहीं दी जा रही है, और अगर जो कोई नॉन तुर्भेकर होगा तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जा रही है। यह हमारे यहाँ के स्थानिक लोगों ने जो यहाँ पर फॉर्म भरा है उनका कहना है। हमने इनके अभी एचआर मैनेजमेंट के हेड हमसे मिली, हम जो भी हमारा डेलीगेशन था हमने उनको यही हमारे कुछ हमारे प्रमुख मुद्दे थे वो हमने सामने रखे कि हमारा एक स्लम वार्ड होने की वजह से हमारे यहाँ पर एजुकेटेड लोग ज़्यादा नहीं है, तो अब जितने भी हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है उसमें आप के यहाँ के लोगों को, जो स्थानिक लोगों को प्राधान्य दे, साथ ही में जितने हमारे एजुकेटेड लोग हैं भले उनकी मात्रा कम हो लेकिन कम होने की वजह से वो कंपनी के लिए फ़ायदा है कि वो उतने वो फैकल्टी में यहाँ के लोगों को आप वहाँ पर प्राधान्य दे सकते हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर भी बहुत अच्छे ग्रेजुएट लोग हैं, एमबीए किए हुए लोग हैं, हमारे यहाँ पर आईआईटी किए हुए लोग हैं, तो उनको आप लोग यहाँ पर रिक्रूट करेंगे तो यहाँ पर जो इतने साल से जो 60-70 साल से यहाँ पर जो स्लम में हमारे जो स्थानिक लोग रह रहे उनको यहाँ पर जॉब मिलेगा तो उनके भी जीवन में खुशी आएगी। तो फोर्स नहीं किया गया हमारे जो लोग हैं उनको, लो हमारा इतना ही कहना था कि जो भी आपके रूल रेगुलेशन में बैठते हैं उनको लो, लेकिन कुछ दिन से हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ विरोधी पक्ष वाले लोग हैं वो कुछ चेहरे लोग को देख के उधर जॉब पर लगा रहे हैं, प्रेशर ला रहे हैं, कोई बॉडीगार्ड लेके आता तो इन लोग उनको उसके जोर के ऊपर इधर जॉब लगा रहे हैं। तो हमारा ये कहना था कि इधर के जो झोपड़पट्टी के लोग हैं, जैसे आप सबको पता ही है कोविड में जैसा कि जो महामारी का जो रोग चल रहा था 8 महीने से कई लोगों के लोगों ने अपनी नौकरी गमा के बैठ चुके हैं, तो हमारा इतना कहना था कि अगर हम इधर के लोकल हैं तो हमारा हमको किधर तो उसमें प्राधान्य देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।